हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न की सैलेड। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह पौष्टिक भी है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक बड़ा भुट्टा लिया था, जिसे हमने दाने छीलकर उसे कुकर में नमक डालकर नरम होने तक पका लिया है। ये लगभग 2 कटोरी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज और टमाटर लेकर हमने उन्हें बारीक काट लिया है। ककड़ी के बारीक कटे टुकड़े 1/2 कटोरी के लगभग। एक हरी मिर्च बारीक काटी हुई। हरा धनिया जिसे हमने धोकर बारीक काट लिया है। पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और मसालों में हमने यहाँ जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लिया है। ये लगभग 1/2 चम्मच है। 1/2 चम्मच या स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार और चाट मसाला। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेते हैं। इसमें हम उबले हुए मकई के दाने डालेंगे। अब इसमें कटी प्याज डालते हैं, कटा हुआ टमाटर डालेंगे, बारीक कटी ककड़ी डालते हैं और हम हरी मिर्च डालते हैं। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। अब हम इसमें पुदीने की पत्तियों को हाथ से तोड़कर डाल देते हैं। अब हम मसाले डालेंगे। इसमें भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देते हैं और चाट मसाला लगभग 1 से 1.5 चम्मच डाल देते हैं और नींबू का रस डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यह सलाद लगभग तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे धनिया से गार्निश कर लेते हैं। तो अब हमारी पौष्टिक सलाद बिल्कुल तैयार है। इसे आप भोजन में या फिर वैसे ही नाश्ते के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं।